हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भविन पंचासरा। आप देख रहे हो पी डिज़ाइनर। आज हम देखेंगे कि कैसे शॉर्ट टाइम में हम एट्रैक्टिव मैगज़ीन कवर बनाते हैं। और यहाँ हमारे पास कुछ टैग्स और मॉडल्स के फ़ोटो है जो नॉर्मली मैगज़ीन में यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ न्यू ले लेंगे। और याद रहे, हम प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं तो हमें CMYK फॉर्मेट यूज़ करना है, ना कि RGB। अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं तो हमें RGB सिलेक्ट करना है। सिंपली हम फोटो को प्लेस करते हैं और हमें अपने आर्टबोर्ड के हिसाब से अपने फ़ोटो को सेट कर देना है। हमारे पास यहाँ कुछ डिटेल्स है जो नॉर्मली मैगज़ीन में यूज़ होती है। अब वो अपने ऊपर है कि हम क्या टाइटल रखते हैं मैगज़ीन का। मैंने यहाँ मेरी चैनल का नाम ही रख दिया है बी डिज़ाइनर। मैगज़ीन हो या कुछ और, उसमें मेन फोकस टाइटल पे होता है। हमें टाइटल को थोड़ा यूनिक बनाना है। टाइटल के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम टाइपोग्राफी के रूल्स फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यूनिक लगने लगेगा। हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सारे लेटर को अलग अलग लेयर में कर दें और सारे लेयर को हम ड्रॉप शेडो इफेक्ट दे दें। और सारे लेयर को हम सेंटर अलाइनमेंट दे देंगे। और याद रहे कि जो लेटर पहले आता है वो पिछले वाले लेटर के लेयर से आगे होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले बोला था कि हम सारे लेटर वाले लेयर को ड्रॉप शैडो इफेक्ट देंगे, सो एक एक करके बारी बारी सारे लेयर को हम ड्रॉप शैडो इफेक्ट देंगे। अब हमने यहाँ शैडो इफेक्ट का यूज़ किया है तो हमें पिछले वाले लेटर को आगे वाले लेटर से थोड़ा पीछे रखना है, जिससे कि हमको शैडो क्लियर दिखे। फोटो अभी थोड़ा सिंपल लग रहा है, हमें उसे थोड़ा अट्रैक्टिव लुक देना है। जैसे कि स्मूथ ब्रश का यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ और कर सकते हैं। हम नॉर्मली स्मूथ ब्रश का यूज़ करके उसको चारों तरफ से हल्की सी फ्रेम बनानी है और ओपेसिटी अपने हिसाब से रखनी है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रश का यूज़ करने के बाद हम उस लेयर की साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। जहाँ ठीक लग रहा है वहाँ हम रख सकते हैं। हमारे पास यहाँ बहुत सारे ब्लेंडिंग बोर्ड अवेलेबल है, तो ब्रश वाले लेयर पर हम बारी बारी से सारे ब्लेंडिंग बोर्ड ट्राई करके देखेंगे। हमें ये देखना है कि कौन सा मोड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से ये मल्टीप्लाई वाला मोड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं यही रखूँगा। आप अपने हिसाब से जो रखना चाहे वो रख सकते हो। मेरे पास कुछ टैग्स है जो मैंने नोटपैड में लिखा है, जो मैं मैगज़ीन में ट्राई करने वाला हूँ। आपके पास जो भी अपना टैग्स है वो आप ट्राई कर सकते हो। आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। मुझे ये वाला फ़ॉन्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। बट ध्यान रहे कि हमें ऐसा फॉन्ट यूज़ करना है कि जो दिखने में अच्छा लगे और मैगज़ीन वाला लुक दे।
फॉन्ट साइज और लेटर के बीच का गैप आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए और क्या रखना है। मुझे ये पूरा कैपिटल में नहीं चाहिए, मैं फर्स्ट लेटर ही कैपिटल रखूँगा। हमने अभी जो टाइटल लिखा, अब हम उसका सब टेक्स्ट लिखेंगे। ध्यान रहे कि सब टेक्स्ट थोड़ा छोटा रखेंगे कंपैरिजन टू टाइटल, क्योंकि दिखने में लगना चाहिए कि नहीं ये टाइटल है और ये उसका सब टेक्स्ट है। सब टेक्स्ट हम रेगुलर या मीडियम रख सकते हैं। और हम जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं या पर्टिकुलर कोई वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं या फिर हम उसको बोल्ड कर सकते हैं, जिससे हाईलाइट किया हुआ पार्ट तुरंत दिखेगा। हमारे पास और भी टेक्स्ट है, हम उसको स्क्रीन पर रख के देखेंगे कि वो कहाँ सेट हो रहा है, कहाँ अच्छा लग रहा है। आप उसको कहीं पे भी रख सकते हो अपने हिसाब से, बस वो दिखने में अच्छा लगना चाहिए। मेरे पास ये टाइटल टेक्स्ट और उसका एक सब टेक्स्ट है, मैंने उसका एक ग्रुप बना दिया है। अभी मैं उसी ग्रुप का एक डुप्लीकेट ग्रुप बना दूंगा, जिसको मैं अभी स्क्रीन में अपने हिसाब से रख के देखूंगा, जहां मेरे को ठीक लगेगा मैं वहां रख दूंगा और नया टेक्स्ट मैं वहां रिप्लेस कर दूंगा। अलाइनमेंट हमें अपने डिज़ाइन के हिसाब से रखना है, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर बैकग्राउंड के हिसाब से हमारा टेक्स्ट विजिबल नहीं है, तो हम उसकी जगह चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से वो थोड़ा ऊपर या नीचे कर सकते हैं, और जहाँ भी हमको ठीक लग रहा है कि नहीं यहाँ विजिबल है, तो हम वहाँ उसको रख देंगे। पहले की तरह जो हाईलाइट है हम उसका कलर चेंज कर देंगे या तो फिर हम उसको बोल्ड कर देंगे। अगेन हम ऊपर वाले टेक्स्ट का डुप्लीकेट ग्रुप बनाएंगे और हमारा नया टेक्स्ट है वो वहाँ रिप्लेस कर देंगे, और वो टेक्स्ट जहाँ भी सेट हो रहा है हम उसको वहाँ रख देंगे। हमारे पास एक और टेक्स्ट है 2020, हमें उसको हाईलाइट करना है, वो मैगजीन कवर पे हाईलाइट होना चाहिए। हाईलाइट करने के लिए हम उसको बोल्ड या हैवी कर सकते हैं, और हमारे हिसाब से वो जहाँ भी ठीक लग रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ रखते हो, वो जहाँ ठीक लग रहा है दिखने में हम उसको वहाँ रखेंगे। और ध्यान रहे उसकी ओपेसिटी हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो दिखने में विजिबल होना चाहिए। हमारे पास यहाँ बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड है, हम उसको बारी बारी ट्राई करके देख सकते हैं कि कौन सा हमारी डिज़ाइन पर अच्छा लग रहा है, हमें जो अच्छा लगता है वो हम रख सकते हैं।
मेरे पास एक और टैक्स है, मैं देखता हूँ वो डिज़ाइन में कहाँ अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं उसको उसकी साइज़ थोड़ी कम कर दूंगा और उसके बीच का गैप बढ़ा दूंगा। हाँ, अब मुझे यह दिखने में भी अच्छा लग रहा है और ठीक ठाक लग रहा है, मैं और थोड़ा गैप बढ़ाऊंगा और उसका साइज़ थोड़ा कम करूंगा। मुझे ये ठीक लगा तो मैंने ये किया। आप और कुछ भी कर सकते हो, आपको अपने हिसाब से जो भी आइडिया है वो आप अप्लाई कर सकते हो। मैगज़ीन कवर रेडी होने के बाद आप कोई भी मॉकअप ले सकते हो, उस पर आप और रख सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे मॉकअप फ्री अवेलेबल है, आपको जो अच्छा लगे वो आप डाउनलोड करो और उस पर आप अपना डिज़ाइन रख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी दिया है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।